हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं रुमा और आप देख रहे हैं अपना चैनल एंजॉय लाइफ विद अक्षत एंड यक्ष। फ्रेंड्स, अभी हम नॉर्थ सिक्किम में हैं। जैसा कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा भी है, हम लाचेन में रुके हुए हैं और यहां से हम गुरु डोंगमार लेक गए थे और अब हम लाचेन से जा रहे हैं लाचुंग और वहाँ से हम जाएंगे यमथांग वैली के लिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बहुत सारे झरने दिखने वाले हैं रास्ते में, जिनकी कुछ पिक्स और वीडियो मैंने आगे भी अपलोड किए हैं। अभी देखिए, जैसे कि एक झरना आप ही किया। लाचुंग जा रहे हैं और सामने एक वाटरफॉल पड़ा है, आपको दिखाते हैं कैसा है। यहाँ पर अभी उतना खड़े हैं, बारिश हो रही है बहुत तेज। अब आपको शो करते हैं कैसा है वाटरफॉल। देखिए, ये देखिए कितना प्यारा वाटरफॉल है, बहुत ऊँचे से आ रहा है ये देखिए। और उसकी आवाज़ पानी की बहुत ही अमेजिंग है। आसपास का माहौल बहुत प्यारा लग रहा है और वाटरफॉल देखिए उसका फ्लो कितना तेज है। अब आगे भी आपको दिखाएंगे अच्छे अच्छे वाटरफॉल। फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको और भी वाटरफॉल देखने को मिलेंगे आगे। और अभी देखिए स्क्रीन पर बारिश भी कितनी तेज़ हो रही है। सिक्किम में एक्चुअली बारिश का कुछ पता ही नहीं होता, कभी भी स्टार्ट हो जाती है और कभी भी मौसम साफ़ हो जाता है। इसलिए आप कभी भी सिक्किम टूर का प्लान करें तो अपने साथ में छाता ज़रूर लेकर आएँ। फ्रेंड्स, लाचुंग में आप यमथांग वैली के साथ साथ ज़ीरो पॉइंट, चोपटा वैली, भीमनौला फॉल्स और भी ऐसी कई जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी के लिए एक के बाद एक आप बहुत सारे वाटरफॉल देखेंगे। देखिए अपनी स्क्रीन पर, है ना कितना सुंदर वाटरफॉल। अभी इसके बाद एक और वाटरफॉल। इस वाटरफॉल की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है और नीचे का व्यू देखिए ऐसा है, कितना बड़ा वाटरफॉल है, पीछे से पूरा यहाँ तक आ रहा था। एक्चुअली आपको लाचुंग में इतने वाटरफॉल देखने को मिलेंगे ना, बहुत सारे, इसको हम पूरा कैप्चर भी नहीं कर पाए थे अपने कैमरे में। अभी आगे भी देखेंगे आप कुछ वाटरफॉल्स और आसपास का जो व्यू है वो तो बहुत ही सुंदर है। देखिए फ्रेंड्स कितनी ऊंचाई से है, आपने देखा ना अभी स्क्रीन पर। और ये दूसरा वाटरफॉल है। फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो रहा है और हमने टी ब्रेक लिया, अभी आपको आगे की वीडियो दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हम लाचुंग जा रहे हैं और हमने दो मिनट का ब्रेक लिया यहाँ चाय पीने के लिए। और आपको यहाँ का टी शॉप दिखाते हैं कैसी है। ये देखिए सामने मोमोज बन रहे हैं और ये है यहाँ सामने छोटी सी कैट बैठी हुई है, वो नीनी कर रही है। और इधर हमारी गाड़ी खड़ी है बाहर। और फ्रेंड्स, अब जो आप ये देखने वाले हैं वाटरफॉल, ये सबसे बड़ा सबसे अलग वाटरफॉल है और उसी तरह से इसका नाम भी सबसे अलग है। इसका नाम है अमिताभ बच्चन वाटरफॉल। देखिए आप, वाओ। और ये देखिए आप, ये देखिए पानी के आपको आ जा। अरे देखिए गाइस, ये है अमिताभ बच्चन वाटरफॉल, जबरदस्त। देखिए गाने भी चलते हुए। फ्रेंड्स, प्रकृति के अद्भुत नज़ारों को देखते हुए पहुंच गए हम लाचुंग अपने होटल। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे होटल के आसपास का व्यू है। यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा नज़र आता है। देखिए आसपास कितने पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद फिर अगली सुबह हम निकल गए यमथांग वैली के लिए। आप लाचुंग में यमथांग वैली के साथ साथ ज़ीरो पॉइंट, जहाँ पर आपको स्नो ज़रूर देखने को मिलेगी, आप किसी भी मौसम में चले जाइए। उसके अलावा लाचुंग मोनेस्ट्री, चोपटा वैली, भीमनागा फॉल और इसके अलावा और भी कई जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्थ सिक्किम की और अधिक जानकारी चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सिक्किम टूर फुल इन्फॉर्मेशन के नाम से वीडियो है और इस वीडियो में हमने सिक्किम के टूर पैकेज, वहाँ के व्यू पॉइंट्स और आपको सिक्किम आने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में दी है। फ्रेंड्स, यहाँ आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था, जिस वजह से हम तो अपने आप को रोक नहीं पाए और थोड़ी देर गाड़ी रोकी और हम सब उतर गए हैं थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के लिए। हम लगभग 10-15 मिनट यहाँ रुके, कुछ फ़ोटो क्लिक कराई, थोड़ी देर बैठे और उसके बाद फिर से निकल गए यमथांग वैली के लिए। सिक्किम अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत राज्य है, यहाँ प्रकृति का हर एक रूप देखने को मिलता है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी है सिक्किम की, तो आपने ज़रूर नोट किया होगा कि हर एक वीडियो में आपको रास्ते के अलग ही नज़ारे देखने को मिलते हैं। अब जैसे यहीं पर ले लीजिए, यमथांग वैली को फ्लावर वैली के नाम से भी जाना जाता है, और अब जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ना, यहाँ पर आपको रास्ते में फ्लावर ही फ्लावर देखेंगे, इतने सारे फ्लावर्स के पौधे हैं, बहुत सारे। और साथ ही एक जगह आए थे रेड कलर के पत्थर, पहले हमें लगा शायद कलर किए हुए, पर नहीं, वो कलर नहीं था, वो अपने आप में ही ऐसे थे। और अभी जो आप ये व्यू देख रहे हैं, यहाँ देखिए बिल्कुल ग्रीन कलर के पत्थर हैं, इन पर एल्गी लगी हुई है और ये भी ओरिजिनल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अपने आप से बनाए हुए हैं। वैसे भी एल्गी है वो तो कहीं पर लग जाती है, लेकिन सिर्फ इसी जगह पर लगी हुई है। तो इसी तरह से आपको बहुत अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यमथांग वैली बस कुछ ही दूरी पर है, सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, यमथांग वैली ऑफ फ्लावर्स। फूलों के पौधों से, इन सजे हुए रास्तों से गुजरते हुए अब हम पहुँच चुके हैं यमथांग वैली में। और देखिए सामने पार्किंग बनी हुई है और साथ ही कुछ शॉप्स भी बनी हुई है जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। अब चलते हम यमथांग वैली में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है यमथांग वैली, जिसको फ्लावर वैली के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली स्प्रिंग सीजन में यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। इसके ग्राउंड में जहाँ आप हरी घास देख रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स नज़र आते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। लगता है मानो नीचे पूरी वैली ये फ्लावर से सजी हुई हो। और इसके आसपास का नज़ारा देखिए कितना अद्भुत है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कुछ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं और देवदार के पेड़ हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और साथ ही नदी बहती है, जिससे इसकी शोभा और भी बढ़ जाती है, जिसकी एक वीडियो क्लिप हम आपको आगे शो करेंगे। अभी यहाँ वैली का दृश्य देखते हैं। अभी मैं आपको कुछ फ़ोटो शो कर रही हूँ जो हमने यहाँ पर क्लिक कराई। एक्चुअली फ्रेंड, यहाँ हमने सबसे ज़्यादा फ़ोटो क्लिक कराई, क्योंकि आसपास का व्यू ही इतना प्यारा था और यहाँ हम रुके भी काफ़ी देर थे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अभी हम चलेंगे नीचे रिवर के पास, आपको मैं उसका व्यू दिखाती हूँ। मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई है, अभी आगे आपको शो करती हूँ। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर यमथांग वैली में आए हैं और हम यहाँ रिवर के पास है यमथांग वैली में। देखिए रिवर का व्यू और अज्जू को देखिए, रिवर के बीच पर खड़े हुए हैं, और बाकी सबको दिखाती हूँ। और मम्मा, अक्कू, यक्षु कहाँ गया? यक्षु अक्कू के पीछे खड़ा है, और ये पापा। और यहाँ आसपास का व्यू ऐसा है, सामने बर्फ से ढके हुए पहाड़ है और आसमान देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम ब्लू कलर का, उस पर व्हाइट कलर के बादल अलग ही लग रहे हैं। और ये पूरी वैली है देखिए, ग्रीनरी, और यहाँ पर भी बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। ये पूरा यमथांग वैली का व्यू है, ऊपर का भी नज़ारा दिखाएंगे आपको आगे चल के। फ्रेंड्स, नदी के किनारे बैठने का तो अलग ही मज़ा है। हम भी काफ़ी देर यहाँ रुके, फुल एंजॉय किया, वीडियो में तो देखा ही आपने। वैसे
ठंडी हवा के झोंके और पानी की कलकल करती हुई यह आवाज़ वाकई में मन मोह लेने वाली होती है। आसपास के सुंदर नज़ारों के साथ ही यहाँ मौसम भी बहुत सुहाना था। थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस ऊपर गए। उसकी एक वीडियो क्लिप मैं आपको आगे शो करूँगी। हाँ तो दोस्तों, आज हम आए हैं जंथन वैली, जो कि लाचुंग से होते हुए हम इधर आए हैं। फ्लावर वैली के रूप में भी इसको जाना जाता है। और ये देखिए दोस्तों, ये आसपास की गिनी देखी इतनी बेहतरीन। ये देखिए पहाड़ियाँ, और बैक कैमरे से ये देखिए ऊँचे ऊँचे पहाड़ और एक बहती हुई रिवर, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। और ये देखिए बर्फ़ से लदे हुए पहाड़, और साथ में क्लाउड भी आपको नज़र आएंगे। और ये देखिए कितनी ग्रीनरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी चट्टानों वाले पत्थर चारों तरफ। और ये सामने देखिए रिवर देखिए, लोग एंजॉय करते हुए, हम वहाँ से एंजॉय करके आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत नॉर्थ सिक्किम। आप अगर सिक्किम आते हैं तो जरूर नॉर्थ सिक्किम आना मत भूलिएगा। और 2 नाइट और 3 डेज का तो मिनिमम लीजिएगा पैकेज। बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको नज़र आएंगे, चारों तरफ वाटरफॉल ही वाटरफॉल, अनलिमिटेड वाटरफॉल है यहाँ पे। और यहाँ भी अभी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, नानी के साथ अभी शॉपिंग करने गए हैं, और हम यहाँ प्रकृति के दृश्यों के भी जाना देते हुए। यहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस जा रहे हैं लाचुंग से गैंगटॉक। तो फ्रेंड्स, हमारी सिक्किम की जर्नी यहीं पूरी होती है। अब पूरा सिक्किम तो घुमा दिया, अब घर भी तो जाना है ना। घर कैसे जाएंगे? घर जाने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा गैंगटॉक। गैंगटॉक में टैक्सी आपको वाजरा टैक्सी स्टैंड पर ड्रॉप करेगी, जहाँ से आपको पिकअप किया था बिल्कुल वहीं। फिर वहाँ से आपको टैक्सी लेकर जाना होगा वेस्ट बंगाल। अगर आप फ्लाइट से आए हैं तो बागडोगरा, या फिर ट्रेन से आए हैं तो आपको जाना होगा न्यू जलपाईगुड़ी। गैंगटॉक से वेस्ट बंगाल का रास्ता लगभग 4 से 5 घंटे का है, तो आप अपनी फ़्लाइट और ट्रेन के टाइमिंग के अकॉर्डिंग ज़रूर देख लें। हो सकता है आपको गैंगटॉक में एक रात स्टे भी करना पड़ जाए, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। फ्रेंड्स, अभी एक वाटरफॉल देखते हैं। फ्रेंड्स, इस रास्ते में भी बहुत वाटरफॉल आते हैं। अभी थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे अपने होटल लाचुंग, और वहाँ की एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, बड़ी प्यारी आई बछड़ों वाली। ये दोनों जब हम वहाँ पहुँचे तो आपस में खेल रहे थे और थोड़ी थोड़ी लड़ाई भी कर रहे थे, जो बड़ी ही क्यूट लग रही थी देखने में। फिर बाद में आपस में बड़े प्यार से घास चर रहे थे साथ में बैठकर। पूरी तो मैंने नहीं बनाई, थोड़ी सी इनकी वीडियो बनाई है, जिसको देखिए आप। इन दोनों की मस्ती के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ क्यूट सी प्यारी सी कैट, है ना कितनी क्यूट। अभी हम थोड़ी ही देर में यहाँ से लंच करने के बाद में निकल गए गैंगटॉक के लिए। और ये यहाँ देखिए फ्रेंड्स, टनल बनी हुई है, और ये टनल बहुत ही बड़ी टनल है, काफ़ी लंबी है ये, और सबसे हाईएस्ट टनल है ये। अब इसके बाद ये सब आ गया गैंगटॉक का रास्ता। यहाँ पर भी बहुत सारे वाटरफॉल्स पड़ते हैं, जो आपने पहले देखे थे उसमें कुछ वाटरफॉल इधर आएंगे, जिसमें से एक वाटरफॉल की झलक आप यहाँ देखेंगे। ये भी बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है। अब इसके बाद यहाँ पर कंचनजंगा का व्यू पॉइंट बना हुआ है, जहाँ पर हम थोड़ी देर रुके।
ये व्यू पॉइंट जाते टाइम भी पड़ता है, पर जिस समय हम जा रहे थे तो उस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग था, जिसकी वजह से ये पहाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही थी। इसलिए हमने अब वापस गैंगटॉक जाते टाइम यहाँ पर गाड़ी रुकवाई और थोड़ी देर यहाँ पर रुके हम। हाँ तो दोस्तों, आज हम खड़े हैं इधर, देखिए कंचनजंगा की पहाड़ियाँ यहाँ से नज़र आती हुई, काफ़ी ऊँची पहाड़ियाँ हैं ये देखिए, जो बर्फ से लदी हुई है, यही कंचनजंगा की पहाड़ियाँ। और आसपास का व्यू देखिए, बहुत ही सुंदर नदी बहती हुई, और ये देखिए सूरज की किरणें भी इस पर पड़ती हुई। फ्रेंड्स, कंचनजंगा की पहाड़ियाँ तो आपने देख ली, अब हम देखेंगे एक और वाटरफॉल। आपको याद है ना, जब हम नॉर्थ सिक्किम जा रहे थे हमने ये वाटरफॉल तब भी देखा था। ये है सेवन सिस्टर वाटरफॉल और बहुत ही फेमस वाटरफॉल है यहाँ का। अगर जाते टाइम आपका स्किप हो गया है तो आते समय तो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी सिक्किम की जर्नी होती है फिनिश। आपको हमारी सिक्किम ट्रिप कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।